ये प्लेटफॉर्म सारे कॉटेज का प्लेटफॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ एक बार ऊपर जाके। ये एक कॉटेज का प्लेटफॉर्म है, इधर एक कॉटेज था, ऐसे सारे कॉटेजेस है। कुछ कॉटेजेस वहाँ पे है जो कि अभी साइट रिजॉर्ट वगैरह देखो, ये सारे रिजॉर्ट ऐसे पैक किया गया है। ये अगोंडा बीच का बीच फ्रंट रिजॉर्ट है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा कॉटेज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लेके ये साइड तक, ये साइड तक का कॉटेज है। ये कॉटेज अभी बंद है, सीजन के टाइम पे ये ओपन आपको मिलता है। 3-3.5 हज़ार तक का इनका प्राइस रहता है। बटरफ्लाई बीच के लिए बोट राइड यहाँ से भी निकलता है सीजन के टाइम पे, अभी ये तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये जो नज़ारा दिख रहा है ये है सामने का स्ट्रेट रोड जा रहा है ये अगोंडा बीच के लिए। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आज योगेन जी है, यस, और शंकर भी है पीछे। तो अभी हम लोग पारोलिम बीच से निकले हैं अगोंडा बीच के लिए। ये वीडियो में आपको अगोंडा बीच का अभी का स्टेटस दिखाएंगे और रोड साइड भी आपको दिखाता हूँ। आप पारोलिम बीच से कोस्टल रोड लेना है और ऐसे जाओगे, ये देखो पूरा फॉरेस्ट एरिया है दोनों साइड, पूरा जंगल जंगल आपको दिख रहा होगा। स्कूटी से भी जा सकते हो, कार से, अभी के टाइम पे कार बेस्ट रहेगा। सीजन के टाइम पे काफ़ी सारे लोग स्कूटी से भी ट्रैवल करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं अगोंडा बीच, अगोंडा बीच के मार्केट एरिया, बीच साइड के एक्टिविटीज़, बीच साइड में क्या स्टेटस चल रहा है, क्या है नज़ारा, विजिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वीडियो में आपको डिटेल दिख जाएगा। और उसके साथ आप जब ट्रैवल करोगे रोड कैसा है, आसपास का लोकेशन एरिया कैसा है, ये सारी ये वीडियो में आपको दिखेगा। बने रहेगा, आज एक्सप्लोर करते हैं ये वीडियो सीरीज में अगोंडा बीच। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके पास और एक फेमस प्लेस है, वो प्लेस अगले वीडियो में आपको दिखेगा। ये हमारा चल रहा है साउथ गोवा के सीरीज चल रहा है, ऑफ सीजन में साउथ गोवा के टूरिस्ट प्लेसेस कैसा है ये मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आप रोड देखिएगा, ये है साउथ गोवा के पारोलिम टू अगोंडा जाने का कोस्टल रोड। मेन रोड से नहीं जा रहे हम लोग, आए थे मेन रोड से, अभी हम जा रहे कोस्टल रोड से। पूरा समुन्दर के किनारे आप ट्रैवल करोगे और ट्रैवल करते करते आ गया है बारिश। बाइक में आ रहे हो तो ऐसे थोड़ा आपको परेशानी झेलने को पड़ सकता है। नैरो रोड है पर काफ़ी नीट एंड क्लीन रोड है, स्मूथ आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ऐसे बारिश आएगा तो बाइक वालों के लिए थोड़ा आपको तकलीफ करेगा। अभी हो रहा है ज़बरदस्त बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप अगर कार से ट्रैवल करोगे, फोर व्हीलर से आओगे तो आप आराम से प्लेस को एक्सप्लोर कर पाओगे। बाइक से आ रहे हो तो थोड़ा आपको तकलीफ होगा क्योंकि ये साइड में बारिश बहुत मोटा गिरता है। अभी आपको दिखा हो ऐसे बारिश गिर रहा है, देखो कितना ज़्यादा बारिश गिर रहा है। तो ये है मानसून का अभी का। यहाँ पे है लेपर्ड वैली, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है लेपर्ड वैली क्लब यहाँ से, और यहाँ से ही अंदर आपको ना बटरफ्लाई बीच का ट्रैकिंग भी है। बटरफ्लाई बीच को ट्रैक करना चाहते हो यहाँ से अंदर जाके बाइक रख के आपको लगभग 2 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और साउथ गोवा में ये एक फेमस क्लब है लेपर्ड वैली करके, इसको सीजन के टाइम पे बिल्कुल विजिट कर सकते हो, अभी क्राउड कम रहेंगे। फिलहाल अभी बारिश का मजा लो और अगोंडा बीच में पहुँचते रुक जाइए। हम लोग एक्चुअली अभी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं खाना खाने के लिए, हम लोग पारोलिम में नहीं खाए, अभी हम लोग पहुँचे हैं अगोंडा। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो सर्कल है यहाँ से लेफ्ट आपको अगोंडा बीच को जाता है, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा काबोदरामा फोर्ट और नॉर्थ गोवा के लिए हम लोग ये रोड पकड़ के जाएंगे बाद में। फिलहाल आपको अगोंडा के मार्केट एरिया दिखाते हैं, बारिश है तो कैसे दिखाऊं सोच रहा हूं आपको, फिर भी दिखाता हूं। चलिए कंटिन्यू कीजिए योगिन जी, आगे बढ़िया योगिन जी बढ़ेंगे। यस, तो ये है अगोंडा बीच, यहाँ पे लिखा है ना रॉयल अगोंडा करके, ये अगोंडा बीच के रोड है। बाकी बारिश की वजह से थोड़ा व्यू आपको ऐसे दिख रहा है क्योंकि मैं बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ कैमरा, बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मोटा बारिश हो रहा है, तो ऐसे ही आपको दिखाता हूँ। ये है मानसून में ट्रैवल कर रहे हो तो इसका तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बारिश यहाँ पे बहुत हैवी होता है और एक बार बारिश स्टार्ट हो गया तो हाफ हाफ डे बारिश कंटिन्यू चलता रहता है। तो बने रहिएगा, बीच साइड पहुँचने के बाद मार्केट एरिया आपको दिखाता हूँ अगोंडा का। एक रेस्टोरेंट दिख रहा है यू एन मी, अरे ये भी रेस्टोरेंट बंद है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर रेस्टोरेंट बोर्ड दिख रहे हैं, रेस्टोरेंट अंदर से बंद है, क्राउड कम है ना के बराबर क्राउड है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट वगैरह ना यहाँ पे काफ़ी सारे बंद है। फ्रूट्स वगैरह मेरे ख्याल से बैकअप आपको कैरी करना चाहिए, बाकी एग्जैक्टली प्लेस में आपको मिलेगा मेरे ख्याल से। ये यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट तो लिखा है पर टुडे स्पेशल लिखा है,
अंदर से दरवाज़ा बंद है। हम लोग अभी बीच रोड में पहुँचे, मेरे ख्याल से ये साइड में जो शॉप वगैरह दिख रहा है, देखिए बीच रोड है। ये आ रहे हैं, ये देखो कोकोनट घर पर, पुराना घर पे एक ये गिर गया, कोकोनट की ट्री गिर गया है। ये सामने अपने को आगोंडा बीच दिख रहा है, ये आगोंडा बीच के एंट्रेंस। क्रैब सी फूड यहाँ पे दिख रहा है, सारे रेस्टोरेंट बंद है। यस गाइस, फाइनली ये है आगोंडा बीच के एंट्रेंस। कुछ मिले ना मिले, एंट्रेंस तो हमको मिल गया है। HDFC बैंक के ATM, और ये चालू रहना चाहिए नहीं तो पैसा भी नहीं मिलेगा। नहीं, HDFC बैंक है, शाखा है ये, आगोंडा शाखा, आगोंडा ब्रांच है ये। मेरे ख्याल से चर्च था, चर्च के एंट्रेंस था, इसलिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। ये साइड में हमको जाना पड़ेगा, ये साइड में मेरे ख्याल से आगोंडा बीच के मार्केट और एंट्रेंस एरिया रहेगा। आपको दिखाता हूँ, सारे बंद है, सुनसान रास्ता, कोई भी नहीं। गेस्ट हाउस वगैरह ऐसे कवर्ड है, ये देख सकते हो, क्योंकि क्लाइंट नहीं है, गेस्ट नहीं है, तो ज़्यादातर गेस्ट हाउस कवर्ड है। मार्केट एरिया भी हल्का फुल्का शॉप ओपन है। ये पूरा जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हैपनिंग एरिया है, सारे सीजन के टाइम पे काफ़ी क्राउड और सारे शॉप्स ओपन रहते हैं। ये देखो ये सारे शॉप वगैरह कैसे बंद है, ये सारे जो है ना शॉपिंग के ऑप्शन है, वाइन स्टोर है, बड़े बड़े शॉपिंग शॉप्स है, ये सारे बंद है। मुझे पता है, याद है ये शॉप से मैं लास्ट टाइम एक कपड़ा लिया था, बीच वेयर लिया था, क्योंकि मैं अचानक आया हुआ था यहाँ पे, मैंने शॉपिंग किया था। अभी ये भी बंद है, बीच शेक कॉटेज, ये साइड में कॉटेजेस है, ये शायद कॉटेजेस बंद है। आप देख सकते हो सामने से इनको कवर किया गया है, तो कॉटेजेस जो बीच फ्रंट कॉटेजेस है ये सारे आपको बंद मिलेगा। ये हम लोग आगोंडा के मेन बीच रोड में चल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से 10-15 कदम में आपका मेन बीच एरिया है। पर सारे जो एरिया, सारे कॉटेज, रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, पर ओपन है या नहीं वो देखना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट तो है, देखना पड़ेगा, अंदर है लगता है ओपन, बाद में यहाँ पे खाना खा लेते हैं। इधर एक रेस्टोरेंट ओपन है, हमको खाना भी खाना है, जस्ट आपको मार्केट दिखाते और उसके बाद बैठते हैं यहाँ पे। रुक जाओ, बीच साइड थोड़ा जाना था दिखाने के लिए, पर हमको बारिश की वजह से थोड़ा आगे पीछे होना पड़ रहा है। ये साइड में जो देख रहे हो ना, ये सारे कॉटेजेस है, ये देखो ये सारे कॉटेजेस, पर अभी फ़िलहाल के लिए सारे बंद दिख रहे हैं। गेस्ट हाउस लेफ्ट साइड में ये सारे शॉप्स है, सीजन के टाइम पे जो आपको दिखता है ना, ये सारे शॉप्स बंद है। आगे ये एक मेरे ख्याल से रिजॉर्ट है, बीच रिजॉर्ट, यहाँ पे डन हिल करके बीच रिजॉर्ट, ये भी क्राउड कम है। ये मार्केट एरिया है, मार्केट के सारे शॉप्स अभी बंद है, ये साइड में भी शॉप्स आपको बंद दिख रहे हैं, ये सारे शॉपिंग के ऑप्शंस बंद, क्राउड नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे बंद रहता है। हॉलीडे होम्स यहाँ पे, आगोंडा हॉलीडे होम्स, ये शॉप बंद, फातिमा गेस्ट हाउस, ये सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद है। आगे जाके आएंगे, आगे एंड है, वहाँ तक जाके वो पार्किंग एरिया तक जाएंगे और आएंगे। ये देखो ये पूरा एक भी शॉप मुझे ओपन नहीं मिल रहा, पता नहीं, हो सकता है शाम के टाइम पे ओपन होता होगा या फिर बारिश है इसलिए बंद हुआ रहेगा, हो सकता है, ये बोल नहीं सकते, पर जितना हमको दिख रहा है उतना तो मैक्सिमम। ये देखो एक शॉप मुझे लास्ट में मिला, पार्किंग एरिया के लास्ट में एक शॉप मिला ओपन, बाकी यहाँ पे रामा रिजॉर्ट करके ये साइड में एक था, ये भी बंद है। आगे से ये एंड एरिया है आगोंडा बीच की, ये एंड एरिया है, ये कॉर्नर में इनका पार्किंग है, यहाँ से हम अंदर डालेंगे, थोड़ा पार्क करेंगे। और ये देखो ये है आगोंडा बीच के पार्किंग, ये सारे रिजॉर्ट ये दिख रहे, एक्जोटिका आगोंडा, ये देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं ना आगोंडा बीच के एंड एरिया में, जहाँ पे कॉर्नर में अच्छे अच्छे कॉटेज एक लाइन पे दिखते हैं ना, काफ़ी सारे फोटोज आपने देखा रहेगा या फिर मेरा वीडियोस भी आपने चेक किया रहेगा, वही इस साइड का कॉटेज मैंने वीडियो बनाया हुआ था, वो एरिया में हम लोग पहुँचे हैं। ये है एंड एरिया आगोंडा बीच के, यहाँ पे थाली 899 करके है, पर ये मिला तो नसीब है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, AC रूम 1200 रुपया, AC कॉटेजेस 1500 रुपया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से इनका ओपन है, देखते हैं इनको बाद में देखेंगे। ये देखो यहाँ से एक पार्किंग है, एक्चुअली आगोंडा बीच के एंड एरिया में हम लोग पहुँचे हैं, पार्किंग ढूंढ रहे, पार्किंग मिल नहीं रहे, बारिश भी हो रहा है ना, जिसकी वजह से हम लोग जा भी नहीं सकते, यहाँ से हमको टर्न मारना पड़ेगा। यहाँ से ही आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो ये है एंड एरिया, ये है यहाँ पे एक छोटा सा चैपल है, यहाँ से हम लोग टर्न मार रहे हैं, यहाँ डेड एंड है। आगोंडा बीच पूरा एंड तक आपको लेके आया हूँ, सारी चीज़ें दिखाया हूँ, जितना मैंने देखा
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ हर बार मैं शेयर करता हूँ। ये भी अगोंडा बीच से लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाया। मार्केट में 95% शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया बंद है। क्या बोल रहे हो योगेंद्र जी? ज्यादातर बंद है, कुछ भी नहीं है खाने को। तो खाना बैकअप आप लेके आइएगा, या फिर पालोलिम जा रहे हो ना, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट ओपन था, वहाँ पे खा के फिर ये प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये साइड में आके हम बीच देखेंगे, बाद में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा, फिलहाल हमको लगा भूख, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा तो वहाँ पे जाते हैं, कुछ खाते हैं और आके बाद में यहाँ पे बीच का नज़ारा भी बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल सारे जो ऑप्शन है कॉटेजेस रिजॉर्ट्स वगैरह सारे ऐसे पैक किया गया है। ये देखो, ये साइड में भी कॉटेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2-3 बाद में दिखाता हूँ। ये सारे बंद था, ये एक रेस्टोरेंट ओपन था, हम लोग सोच रहे इधर जाके पूछ के आते हैं खाना मिलेगा कि नहीं, रुक जवान। सो यहाँ से खाना खाएंगे और आगे उसके बाद थोड़ा बारिश तब तक कम होना चाहिए, बारिश कम हुआ ना थोड़ा जाके बीच साइड का शूट करेंगे और जाएंगे। हम लोग ये रेस्टोरेंट में रुके हैं, एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट, एम्बियंस अच्छा है। ये बारिश की वजह से थोड़ा आपको कवर दिख रहा होगा, ये प्लास्टिक से कवर किया है, नहीं तो सीजन के टाइम ओपन रहेगा तो अच्छा दिखेगा पूरा। ये लाइट अप हो जाएगी, ये देखो सीरियल लाइट डाला हुआ है। सो ये एग्जैक्टली अगोंडा बीच के एंड एरिया में है। ये साइड में ज़्यादातर अच्छे कॉटेजेस रिजॉर्ट वगैरह है, तो हम लोग जाने के लिए सोच रहे हैं पर बारिश की वजह से अटके हैं यहाँ पे। तो खाना खाएंगे तब तक, अगर बारिश कम होते हैं बाद में देखेंगे। बाद में थोड़ा बीच साइड भी दिखाना है ना, अभी अगोंडा बीच भी दिखाएंगे और जाएंगे। पहले पेट पूजा करना है ना शंकर, भूख लगा है क्योंकि यहाँ पे चांस नहीं ले सकते, जहाँ पे मिल रहा है उधर खा लेना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम रेस्टोरेंट बंद है। और अभी जो हम यहाँ से निकलेंगे और 6-7 किलोमीटर जाएंगे, तो उधर फिर खाना नहीं मिलेगा तो टेंशन नहीं, ठीक है। सो चलो, ये थाली आया है, ये हमारा थाली है, ये पूरा फिश थाली, ये पूरा 2 पीस है, छोटा साइज़ का है पर 2 पीस किंग फिश का फ्ले और बाकी थाली जीजू का। ये थाली है देखो, ये शंकर का थाली है। यस गाइस, तो फाइनली खाना हो गया, हम लोग यहाँ पे खाना खाए। ये अगोंडा बीच में, बिल्कुल अगोंडा बीच के कॉर्नर में है। मैं अभी ना आपको बीच साइड लेके चलता हूँ, बीच साइड लेके जाऊँगा यहाँ। अरे रे रे रे, ये देखो यहाँ से बीच पे जाने के लिए रोड है, ये जो दिख रहा है, ये देखो ये बीच का नज़ारा आपको दिख रहा होगा, पर बारिश की वजह से ये रोड बंद है, पूरा पानी भरा है। मैं दूसरे साइड से जा रहा हूँ, ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से एक एंट्रेंस है, वो साइड से आपको लेके चलता हूँ और अगोंडा बीच का अभी का बीच साइड का भी स्टेटस दिखाता हूँ। और ये साइड में ना कॉटेजेस है, वो कॉटेज भी एक्सप्लोर करेंगे, पेट भर गया है, अभी जस्ट एक एक्सप्लोर करेंगे। मार्केट एरिया तो आपको दिखा दिया है, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक रेस्टोरेंट रिजॉर्ट है यहाँ पे, पर ये अभी ये साइड से तो बंद है, आगे सामने के साइड से पता नहीं, यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा। ये देखिए, यहाँ पे आए थे हम लोग गाड़ी से, रिटर्न आके हम लोग ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके थे, तो अभी बीच साइड में जाएंगे। वाओ, ये देखो बीच का व्यू, बारिश ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से फिर से आपको लेकर आया हूँ अगोंडा बीच में। ये है फेमस अगोंडा बीच। आज के वीडियो में हम लोग पूरा अगोंडा बीच एक्सप्लोर करने वाले हैं। साउथ गोवा में हूँ, सारे प्लेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ अभी का क्या स्टेटस है। आप अगर आ रहे हो तो कौन से प्लेस आपको विजिट करना चाहिए, ये वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। साउथ गोवा आना चाहिए, स्टे करना चाहिए, नहीं चाहिए, कहाँ पे फूड ऑप्शन मिलेगा, साउथ गोवा के रोड कैसा है, ये सारे डिटेल ये वीडियो सीरीज़ में दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे जो कॉटेज है ये बंद रहता है मानसून के दौरान, ये भी बंद है। ये कॉटेज है देखो, बिल्कुल बीच फ्रंट कॉटेज, सीजन के टाइम पे ये ओपन रहता है, अभी बंद है। ये प्लेटफॉर्म वगैरह थोड़े कॉटेजेस निकाल दिया है और थोड़े कॉटेज यहाँ पे है पर उसको बंद किया गया है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये कॉटेज के एरिया है, ये सारे कॉटेज यहाँ पे होता है, फिलहाल इसको निकाल दिया गया है। ये देखो ऐसा नज़ारा है, ये प्लेटफॉर्म सारे कॉटेज का प्लेटफॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ एक बार ऊपर जाके। ये एक कॉटेज का प्लेटफॉर्म है, इधर एक कॉटेज था, ऐसे सारे कॉटेजेस है, कुछ कॉटेजेस वहाँ पे है जो कि अभी ऐसे आपको दिखेगा। वाओ, बाकी आप देख लो, ये है अगोंडा बीच के एंड एरिया, एंड साइड के एरिया। सीजन के टाइम पे ये कॉर्नर में बोट मिलता है, बटरफ्लाई बीच के लिए बोट राइड यहाँ से भी निकलता है सीजन के टाइम पे, अभी ये तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये एक रेस्टोरेंट के एरिया है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, इनका किचन एरिया यहाँ पे जो कि बंद है, ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। जस्ट एक बीच साइड आया हूँ, बीच का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ और उसके बाद निकलते हैं। ये साइड में जो कॉटेजेस आपको दिख रहा है, ये साइड में सारे कॉटेजेस, होटल, ये साइड रिजॉर्ट वगैरह देखो, ये सारे रिजॉर्ट ऐसे पैक किया गया है। ये अगोंडा बीच का बीच फ्रंट रिजॉर्ट है, तो
यहाँ से थोड़ा नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली अलाउड नहीं है, मैं जस्ट वीडियो के लिए जा रहा हूँ, पानी में तो नहीं जाऊँगा। इसका ऐसा नज़ारा है, देखो ये साइड का जो कॉटेजेस वगैरह देख रहे हो, ये सारे बीच फ्रंट कॉटेज है। ये मेन आगोंडा बीच का नज़ारा आप देख रहे हो, ऐसा है पूरा बीच, सुनसान है, कोई भी नहीं है। वो कॉर्नर में थोड़े बहुत टूरिस्ट रहेंगे मेरे ख्याल से, आपको जूम करके दिखा दूँ। ये शहर में आपको थोड़े लोग दिख रहे होंगे, इतना ही है। आपको बीच पे आने का और कोई भी एक्टिविटी करने का अभी तो चांस नहीं रहेगा। मैं फ़िलहाल आया हूँ आगोंडा बीच पे जस्ट अपडेट करने के लिए है। ये है अभी का स्टेटस, ये साइड में कोई भी नहीं है, ये साइड में भी कोई नहीं है। लाइफ गार्ड राउंड मार रहा है, आपको जस्ट एक वार्निंग देने के लिए वो राउंड मारता रहता है। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है आगोंडा बीच के। अपने योगेन जी ड्राइवर और शंकर, ये लोग मेरे पीछे पीछे आ गए, उनको भी प्लेस दिखा रहा हूँ ताकि इस दौरान आप अगर टूर करोगे या फिर सीजन के टाइम पे भी टूर करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या क्या सारे घूम पाओगे, कहाँ पे क्या सारे चीज़ें, ये सारे मेरे स्टाफ को और ड्राइवर को सारे प्रॉपर नॉलेज रहता है, ठीक है। सो इसके वजह से उनको साथ में लेके आके सारे प्लेस अपडेट कर रहा हूँ। मैं जस्ट चल के आया हूँ, देखिए कुछ भी नहीं है। ये साइड में ये पूरा झाड़ के पत्ते वगैरह पूरा ऊपर आ गया, पानी ऊपर तक जाता है। जैसे कि देख रहे हो ये सारे कॉटेजेस, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद है। ये साइड में भी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, ये साइड में भी पूरा बंद है। आप देखो जो थोड़ा जूम इन करके दिखाऊँ, पानी ऊपर तक आ रहा है, पानी का ऐसा बहाव है। तो रिस्क है, पानी में तो जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है अभी, और आपको जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि लहरें आप देख रहे हो बहुत तेज़ लहरें हैं और ऊपर तक आ रहा है। कितना मोटा मोटा लहर है आप दिखाता हूँ एक सेकंड। ये तो ये है आगोंडा बीच का नज़ारा। यस गाइस, तो फाइनली ज़्यादा तो कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए, सारी चीज़ें बंद है, बीच भी बंद है, आपको पानी में जाने को नहीं मिलेगा, कोई भी एक्टिविटी करने का ऑप्शन अभी आपके पास नहीं है। तो ये ऑप्शन रहेगा जस्ट मानसून के दौरान, कोई भी साइड में जाओगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। साउथ गोवा में ज़्यादातर जो बीचेस है ये ऐसे क्लोज मिलेगा, बाकी नॉर्थ गोवा साइड जाओगे तो थोड़ा बहुत वहाँ पे क्राउड आपको मिलेगा। कलंगूट बागा साइड में रहोगे तो उसका जो बीच साइड में जो टेबल्स फूड वगैरह ऑप्शंस आपको नॉर्थ गोवा कलंगूट बागा साइड में मिलेगा, वहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा बहुत पानी में लोगों को जाने दिया जाएगा अगर ऐसे मौसम क्लियर रहता है तो। बाकी साउथ गोवा में जितना मैंने देखा हाई टाइड के दौरान पूरा पानी ऊपर तक आता है, तो ऊपर तक आएगा तो आपको चांस नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लाइफ गार्ड का केबिन ये साइड में है, ये साइड में लाइफ गार्ड का केबिन है, वो लोग राउंड मारते रहते हैं, पानी में जाने नहीं देते, ठीक है। बाकी ये सारे कॉटेजेस मैंने आपको बताया था, ये लाइन पे रहता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा कॉटेज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लेके ये साइड तक, ये साइड तक का कॉटेज है। ये कॉटेज अभी बंद है, कम्प्लीटली बंद है। सीजन के टाइम पर ये ओपन आपको मिलता है, 3-3.5 हज़ार तक का इनका प्राइस रहता है। ये साइड में शैक वगैरह होता है, अभी बंद है, बोट ट्रिप यहाँ से निकलता है, ये भी बंद। ये है आगोंडा बीच का नज़ारा, अब देख लीजिएगा। यस गाइस, तो फाइनली ये था आगोंडा बीच का अपडेट, आपको दिखाया डिटेल में, मार्केट एरिया बीच साइड भी सारे दिखा दिया है। अभी के टाइम पे सेम सिचुएशन आगोंडा बीच में है, ऑलमोस्ट 90% जो प्रॉपर्टीज हो गया, रेस्टोरेंट मार्केट एरिया वगैरह सारे बंद था। तो आप डिसाइड कर सकते हो आना है नहीं आना है। ये था लाइव सिचुएशन अपडेट, आपको मानसून के दौरान आगोंडा बीच का दिखाया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर भी आप अगर साउथ टूर करना चाहते हो, हाँ काफ़ी सारे कपल्स कमेंट करते हैं, फैमिली कपल्स, शांत प्लेस देखना है, सुंदर प्लेस, एक्चुअली बहुत सुंदर प्लेस है आगोंडा बीच। आप अगर सीजन के टाइम पे आओगे ना बहुत अच्छा दिखता है, जो बीच फ्रंट में जो कॉटेजेस वगैरह दिखाया ना ये प्रॉपर ओपन रहेगा ना, व्यू अच्छा दिखता है, बिल्कुल आपको विजिट करना चाहिए। पर मानसून में आने से पहले आप ये वीडियो अगर देखे हो तो आपको डिसाइड करने में इजी होगा कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये आपके ऊपर है। फिर भी आपको अगर आना है साउथ गोवा टूर करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कॉल कीजिएगा, योगेन जी रहेंगे, हमारे गाड़ी रहेगा, स्टेप टू ट्रैवल की गाड़ी से भी आप अपना साउथ टूर कंप्लीट कर सकते हो। ये जो साउथ टूर में ना जितना भी ये सीरीज बना रहा हूँ, ये सीरीज में जो वीडियो रहेगा, ये सारे प्लेस एक दिन में कवर हो सकता है, एक दिन में हम लोग कवर करवाते हैं गाड़ी से, जैसे हम लोग शूट कर रहे हैं। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट में डाल रहा हूँ, पर ये एक दिन में आप कवर करके जा सकते हो आराम से, पालोलिम से स्टार्ट करके। प्लेस कैसा रहेगा, पहले पालोलिम, उसके बाद आप आगोंडा आओगे, आगोंडा के ये रोड से जाओगे आप काबोदेरामा फोर्ट,
कोलवा, बेनावलिम बीच, ये सारे प्लेस आप एक दिन में कवर करके जा सकते हो। अभी के टाइम पे पालोलिम बीच में एक एक्टिविटी चल रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये है बोट राइड। ये इस दौरान आप कर सकते हो, आपका अगर करना रहेगा। सीजन में आओगे तो आपको कायकिंग का ऑप्शन है, बटरफ्लाई को बाय बोट आप जा सकते हो, बैक वाटर बोट ट्रिप कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको सीजन के टाइम पे रहेगा। तो ये था आगोंडा बीच का स्टेटस आपको दिखाया, अच्छा लगा है लाइक शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। बहुत जल्दी अगले वीडियो मिलेगा अगले फेमस प्लेस का। अभी हम चलते हैं अगले प्लेस के लिए, वो आपको अगले वीडियो में दिखेगा। जल्दी मिलेगा अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।